हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। गाइस, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि आज का जो व्लॉग है वो अपनी फर्स्ट इनकम के ऊपर है, जो कि अपनी आ चुकी है और काफ़ी टाइम लगा, बट फाइनली हमारी फर्स्ट इनकम आ चुकी है। यूट्यूब से अर्निंग हो चुकी है, जो कि हर एक यूट्यूब का ड्रीम होता है, सपना होता है, जो कि जब पूरा होता है कितनी खुशी होती है आप फील कर ही सकते हो, देख ही सकते हो। जो जो भाई लोग अपने यानी इनकम जिनके आ चुकी है वो तो समझ ही सकते हैं कि कितनी ही ये खुशी के पल होते हैं जब अपनी फर्स्ट अर्निंग होती है। यूट्यूब से इतने सालों की मेहनत का रिज़ल्ट मिलता है। तो बाकी मैं आपको सब बताऊंगा आज के ब्लॉग में कि कितनी यानी अर्निंग हुई है और कितना टाइम लगा है, बट फर्स्ट मैं आपको बता दूँ तो यानी कि जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब में, स्टार्ट करा था वो 29 जुलाई 2020 में करा था मैंने। एंड उससे पहले का काफ़ी यानी सालों से सोच रहा था बट कर नहीं पाता था, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का इतना नॉलेज नहीं था, फ़ोन नहीं था इतना सही मेरे पास। तो यार प्लान करा, फिर मनोज को बोला, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में मनोज भाई को, तो हम दोनों ने यानी स्टार्ट करा। फिर वो काफ़ी यानी टाइम तक डिले हुआ बिकॉज उसके पास टाइम नहीं होता। फिर फाइनली जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद हमने स्टार्ट करा, तो हमने फर्स्ट ब्लॉग अपना शूट करा था ऐसे ही। तब काफ़ी यानी डरते थे एक एक टेक को, कितना ही टाइम लेते थे, और उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह के लिए अपने वो हैं रिक्की भाई, जिनको आपने नहीं देखा होगा, उनका चैनल भी है नेक्स्ट जोकर के नाम से, उन्होंने मेरे को एडिटिंग सिखाई, उनसे एडिटिंग सीखी। देन आफ्टर काफ़ी टाइम लगा था फर्स्ट व्लॉग को शूट करने में, एडिटिंग करने में, फिर अपलोडिंग करने में, पता नहीं था इतना, बट ऐसे ऐसे करके करा हमने और व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे इतने, बट चलो वो यानी अगर आप भी कर रहे हो यार तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए मत करो, जो आप अपना नॉलेज है, टैलेंट है वो शेयर करो। वो पता नहीं होता कब एकदम ग्रो अप कर जाए, बिकॉज एक साल तक जब हमारा 2021 में जुलाई में, तब तक मेरे सब्सक्राइबर थे अप्रोक्स 450 सब्सक्राइबर था मेरा। एंड आफ्टर तब आपने देखे भी होगा मेरा वो वाला ब्लॉग फ्लड वाला, जो कि यहाँ धर्मशाला कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था, बारिश हुई थी, हैवी रेनफॉल हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, हमारा भी खेतों का हुआ था। तो मैंने वो ब्लॉग ऐसे शूट करके डाल दिया था और यकीन नहीं मानोगे यानी एक दिन में उसमें लाखों में व्यूज़ चले गए और मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गए, यानी कुछ ही घंटों में वो ब्लॉग डालने के। यानी पता नहीं होता कब आपकी किस्मत पलट जाए यूट्यूब में, बिकॉज सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए अगर आप लोग यार डाल रहे हो, कर रहे हो तो सब्र रखो, डालते रहो, मेहनत करते रहो, और व्यू सब्सक्राइबर और इसके लिए मत, पैसों के लिए मैं सोचो मैं तो यार अपना एडसेंस अकाउंट चेक भी नहीं करता हूँ, जबकि मेरी पेमेंट पिछले मंथ की आ चुकी थी बट मैंने चेक ही नहीं करा था, बिकॉज मैं ज़्यादा चेक करता हूँ तो यूट्यूब में देखता हूँ कि कोई कॉपीराइट तो नहीं आया, कोई कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, या सब्सक्राइबर व्यूज़ जो कमेंट आते हैं उसको देखता हूँ ज़्यादा, इसके अलावा नहीं। और थोड़ा बिजी भी था बिकॉज थोड़ा काम वगैरह भी करना पड़ता है यार, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम हो चुका है एंड तो उस करके थोड़ा अभी मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पा रहा था पीछे पीछे, बट अभी डालूंगा, अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ मैं तो। मेरे काफ़ी बंदे भी मिलते हैं, बोलते हैं यार भाई आजकल ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, तो देखो कैसा सरप्राइज ब्लॉग आया है आज आप सबके लिए अपनी फर्स्ट इनकम का। एंड मेरे को अप्रोक्स यानी आज बता रहा था कि तब एक साल को यानी कंप्लीट होने में 10-15 दिन बचे थे, उसके अंदर अंदर ही जब ये ब्लॉग डाला था मैंने अपना, और उसमें अभी तक अपने व्यूज़ भी तब पिछले साल 5 लाख के अराउंड गए थे एंड अभी देख रहा हूँ मैं तो 8 लाख के अराउंड उसके व्यूज़ चल गए हैं ब्लॉग के। तो उससे मेरे को सब्सक्राइबर व्यूज़ यानी वॉच टाइम सारा गेन हुआ उन ब्लॉग से मेरा। एंड आफ्टर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और उसके एक साल बाद यानी अभी ठीक है अक्टूबर में जाके अपनी फर्स्ट पेमेंट आई है, तो एक साल के बाद ही आई है, तो यानी लगभग 2 साल लगे फर्स्ट पेमेंट आने को। और जो फर्स्ट पेमेंट आई है अपनी वो $108 के अराउंड आई है, बट उसमें भी कट कटा के ही आपको मिलता है, कुछ टैक्स वगैरह भी कटता है, तो आप खुद को सोच सकते हो कि कितना मिलता है अप्रोक्स। तो यानी मिनिमम $100 होता है, जब आपके अकाउंट में $100 आ जाता है तो उसके बाद जो पेमेंट होती है वो यूट्यूब आपके बैंक में रिलीज़ कर देता है 21 तारीख के बाद यानी मंथ के लास्ट में कर देता है वो। तो
आ गई एंड अभी देखते हैं। और जो भी पैसा आया वो कोई अपने लिए नहीं है, बिकॉज मैं YouTube स्टार्ट कर रहा था तो एक अपने शौक के लिए कर रहा था और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के पर्पज़ से कर रहा था, ना कि पैसों के पर्पज़ से कर रहा था। तो जो पैसा अभी आया भी है तो वो मैं कहीं थोड़ा लगा दिया, यानी कि अच्छे काम में लगाऊंगा। आपका पैसा है, जनता का पैसा अपना नहीं है, अपनी मेहनत है, मेहनत का रखेंगे, जो बाकी होगा वो हम जनता के लिए ही लगाएंगे, उनके कामों के लिए ही लगाएंगे। एंड बाकी मैं आपको बता दूं यार, तो बता रहा था कि जब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा था तो फ़ोन नहीं था इतना, वो झचका था, वो तो 5-6 ब्लॉग बनाए, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा खुलता गया, वरना पहले लिख लिख के रट रट के होता था, ऐसे ही काम चलता था, एक एक शॉट को यानी 10-10 टेक लेते थे। मनोज भाई जानते हैं हम कैसे कैसे करते थे। एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बनाते गए, थोड़ा अपना भी डर निकलता गया, पब्लिक एरिया में भी खुल के बनाते गए, तो ऐसे निकलता गया। और फ़ोन वगैरह नहीं था, अभी लाइट उस चल गई, तो ही अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब में। एंड बाकी यानी जब मैं बता रहा था कि यार स्टार्टिंग में फ़ोन नहीं था, हौसला नहीं था, तो काफ़ी सपोर्ट करा मेरे को सब ने। एंड मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को यानी फ़ोन के लिए आप समझ सकते हो यार सपोर्ट करा था। और बिकॉज मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था ब्लॉगिंग के लिए, तो आईफोन लिया था मैंने स्टार्टिंग में, 8 प्लस लिया था। देन आफ्टर उसके बाद अभी 11 से शूट करता हूँ मैं, तो 8 प्लस से मैंने स्टार्ट किया था और मेरे को सपोर्ट किया था काफ़ी उसके। मैं भैया वगैरह ने भी सपोर्ट करा मेरे को, दीदियों ने भी सपोर्ट करा, उन्होंने माइक्स वगैरह लेके दिए, बोलते आवाज़ नहीं आती यार तेरी, क्या करता है। तो पैसे नहीं थे इतने, बट चलो जज्बा था, ज़रूरी नहीं यार पैसों से कुछ करा जाता है, बट आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जिस चीज़ के पीछे पड़े हो ना यार फिर पागलों की तरह पड़ जाओ, इतना जुनून रखो, हासिल करके छोड़ो, टाइम लगेगा बट जो उस टाइम के बाद यार अचीव करोगे ना उसमें एक अलग ही फीलिंग होती है। बिकॉज यार बिना मेहनत के, जो मेहनत करके आप पैसा कमाते हो ना, मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करते हो ना, एक अलग ही सुकून मिलता है यार। चाहे आप, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ यार आप YouTube में करो, किसी और चीज़, जो भी जॉब कर रहे हो, YouTube कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो यार, पूरी लगन से करो, मेहनत से करो, एक जुनून बना लो, एक टारगेट बना लो अपनी लाइफ में कि उसको हासिल करना है तो करना ही है, एक यानी उसके पीछे पागल हो जाओ फिर, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। और अगर आप ऐसा करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, एक आपको खुशी मिलेगी, एक आपको हर एक चीज़ मिलेगी यार। तो ऐसे ही अपना था थोड़ा इमोशनल और फीलिंग आ गई, बिकॉज वो दिन सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने करा था और कैसे कैसे हम जाते थे, क्या यानी क्या होता है आपको कैमरे के पीछे, यानी कितना कुछ होता है यानी बड़ा, कुछ इमोशनल बातें भी होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, यादें होती हैं। तो ऐसे ही अपना हुआ था और आज फाइनली अपना फर्स्ट इनकम आ चुकी है। एंड मैं आप सबको भी यही बोलूँगा यार कि बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सब्र रखो एंड अपना स्ट्रगल ऐसे जारी रखो और कोशिश करो और बेटर करो, इम्प्रूव करो। मैं भी आ रही नहीं हूँ, अब जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को कुछ बोलते थे कि यार इसको बोलना नहीं आता है, इसका थोड़ा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, कुछ ढीला बोलता है, कुछ ऐसे बोलता है वैसे, बट यार इग्नोर मारो, जब आप आगे निकलोगे ना तो बीच में 36 बंदे ऐसे टकरेंगे जो आपको उसमें से कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ डीमोटिवेट करेंगे, बट हाँ उन जो डीमोटिवेट करेंगे वहाँ से हौसला मिलता है कि वो कमियाँ बता रहे, अच्छे अच्छी बात है, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट करो, सुनो इम्प्रूवमेंट करो, ये नहीं सुनो निकालो, कोई अच्छा बोल रहा है ठीक है थैंक यू, वो भी सुनो, हर चीज़ सुनो, बट ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट होकर उस चीज़ को ही छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करो अपने, ठीक है यार अच्छी बात है, कोई छोटा भी बोल देता, कोई बड़ा भी बोल देता, कोई छोटा भी समझाने की बात बोल देता है कई बार, कमियाँ हर किसी में होती हैं, बट वो धीरे धीरे हो जाती है इम्प्रूव। मैंने भी कोशिश करी है एंड आई होप आप सब ने इतना सपोर्ट किया मेरे को कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। एंड आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना एंड फिर आपसे मिलेंगे जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड अभी आगे प्लानिंग काफ़ी अच्छी है ब्लॉगिंग की, देखते हैं कहाँ सोचा है जाने का, तो सरप्राइज रहेगा वो, तो मिलेंगे फिर न्यू सीरीज़ के साथ आपसे। एंड तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट हमको देते रहें। सो बाय बाय।